हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके प्यार से चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट ट्रिक जिससे कि आप जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उन्हें कैसे मेमोराइज कर पाएंगे या उनका जो निमोनिक्स या ट्रिक्स है उसे कैसे यूज करके आप जो इसेंशियल अमीनो एसिड है उनको याद कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए किसी भी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप इस टाइप के जो वीडियोज़ है उनको कभी भी मिस ना कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक्स से। तो ट्रिक को जानने से पहले हम आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं अमीनो एसिड का। तो अमीनो एसिड क्या है? दे आर जनरली अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ओके, तो अमीनो एसिड्स क्या है? दे आर अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ओके, सो अमीनो एसिड जनरली ये प्रेजेंट इनमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ओके, अगर आप कोई भी अमीनो एसिड देखे तो उसमें जो चार एलिमेंट हैं, पहला कार्बन, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। ओके, तो जितने भी अमीनो एसिड मोस्टली ये चार एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसका स्ट्रक्चर की, तो अगर हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में जो कार्बन उसकी फोर वैलेंसी है, तो ये जो फोर है इसमें क्या होता है कि एक साइड में क्या होता है जो एन टर्मिनल पे उसमें NH3 ऐड होता है, NH3 प्रेजेंट होता है और एक साइड पे हम लोग COO निगेटिव और बाकी जो दो हैं उसमें H या H। ओके, तो हम लोग ने कार्बन जो वैलेंसी है वो फुल कर दी है। तो इसमें देखिए जितने भी अमीनो एसिड है उसमें क्या होता है, एन टर्मिनल पे क्या होता है आपका अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और सी टर्मिनल पे आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जितने भी अमीनो एसिड है उसमें अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट होगा और साथ ही साथ जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसमें एक हाइड्रोजन भी लग सकता है या इसकी जगह पे हम लोग जो साइड चेन भी अटैच कर सकते हैं। तो जितने भी अमीनो एसिड है उनमें क्या हुआ है, साइड चेन भी अटैच रहती है। वो डिपेंड करता है आप कौन सा अमीनो एसिड ले रहे हैं। ठीक है, जब उसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा, CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 ऐसे करके क्या होगा जो साइड चेन भी अटैच होती है। तो डिपेंड करता है आप कौन सा जो अमीनो एसिड उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो मोस्टली ये जो अमीनो एसिड दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ओके, इसके साथ हमने इसका स्ट्रक्चर देखा कि अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसके साथ ही हाइड्रोजन होता है और उसके साथ कोई भी साइड चेन भी अटैच रह सकती है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था अमीनो एसिड का। ठीक है, तो अमीनो एसिड में क्या होता है कि जनरली जो अमीनो एसिड हैं वो आपस में ज्वाइन होते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और साथ ही साथ क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से बहुत सारे अमीनो एसिड ज्वाइन होते हैं, फिर ये लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। उसके बाद ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये था एक बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द अमीनो एसिड। अब हम देख लेते हैं कि अमीनो एसिड जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो अगर हम टाइप देखें अमीनो एसिड का, तो एक दो होते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, ये डिपेंड करते हैं कि आपको ये डाइट से मिल रहे हैं या ऑलरेडी बॉडी सिंथेसाइज कर रही है। ठीक है, तो एक हम बात कर लेते हैं, पहला है इसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड और जो लास्ट है वो है कंडीशनल अमीनो एसिड। ठीक है, तो तीन टाइप्स के अमीनो एसिड भी हमने क्लासिफाई किया है अमीनो एसिड्स को। पहला क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड, सेकंड नॉन इसेंशियल, थर्ड कंडीशनल। ओके, अब बात करते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड की। तो इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है, ये हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। ठीक है, डाइट के थ्रू मतलब अगर ये जो इसेंशियल अमीनो एसिड है ये बॉडी जो है वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। ठीक है, आवर बॉडी कांट सिंथेसाइज इसेंशियल अमीनो एसिड। ओके, तो दीज अमीनो एसिड वी हैव टू टेक फ्रॉम आवर डाइट। ओके, चाहे हम कोई भी सब्जियां खाएं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी सब्जी में कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, या अगर हम दाल खा रहे हैं तो दाल में कौन कौन से अमीनो एसिड है। तो इसका हमें पूरा बैलेंस लेके चलना पड़ता है कि हमारी बॉडी में किसी भी अमीनो एसिड का डेफिशिएंसी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम दाल भी हम लोग को खानी चाहिए, सब्जी, इसीलिए सब लोग बोलते हैं आप दाल भी खाइए, जितनी टाइप की सब्जियां भी खाइए, ताकि आपकी बॉडी में इसेंशियल नॉन इसेंशियल जो अमीनो एसिड है उनका बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो ये हम लोग को डायरेक्टली हम लोग को डाइट से लेना यानी बाहर से लेना, ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लें तो थ्रेओनीन हो गया, फिनाइल एलानीन हो गया, ऐसे करके बहुत हैं।
टोटल 10 अमीनो एसिड हैं, ठीक है, जो कि एसेंशियल में आते हैं। वहीं अगर बात करें नॉन एसेंशियल की, तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या है, ये क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो खुद सिंथेसाइज करती है, इसे आपको बाहर से लेने की कोई भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड दे आर सिंथेसाइज बाई अवर ओन बॉडी एंड वी डोंट रिक्वायर दी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड फ्रॉम द डाइट, ओके। तो बॉडी क्या करती है, खुद ही सिंथेसाइज करती है। एग्जाम्पल हम देखें जैसे ग्लाइसिन हो गया, फिर प्रोलीन हो गया, एलाडीन हो गया, ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो टोटल 10 अमीनो एसिड्स हैं जो कि नॉन एसेंशियल कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, कंडीशनल अमीनो एसिड, कंडीशनल अमीनो एसिड। तो कंडीशनल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, तो अगर जब भी देखा जाए कि अगर कोई जो बंदा है वो अगर इल है या अगर वो स्ट्रेस में है, तब जाके जो है कंडीशनल अमीनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। तो सिंथेसाइज कब होते हैं, इफ एनी पर्सन इज इल और हैविंग स्ट्रेस, ओके, तब जाके जो है कंडीशनल अमीनो एसिड की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो सिस्टीन हो गया, ठीक है, सिस्टीन हो गया या सेरीन हो गया, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए कंडीशनल अमीनो एसिड। कंडीशनल नाम से आपको लग रहा है कि व्हेन एनीवन इज हैविंग इलनेस और दे आर हैविंग सम स्ट्रेस और मेंटल स्ट्रेस, ठीक है, तब जाके जो है जो कंडीशनल अमीनो एसिड है वो सिंथेसाइज होते हैं बॉडी में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिस्टीन, सेरीन। तो ये क्या है, ये हमारे जो 3 क्लासिफाई किया गया अमीनो एसिड को ऑन द बेसिस ऑफ डाइट या न्यूट्रिशन, ठीक है। अब जो टोटल अमीनो एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं, तो अगर हम बात करें टोटल अमीनो एसिड की, तो टोटल अमीनो एसिड कितने हमारी बॉडी में, ये है 20, ठीक है, 20 अमीनो एसिड टोटल। अब इन 20 अमीनो एसिड्स में क्या होते हैं, 10 जो अमीनो एसिड हैं, ठीक है, 10 अमीनो एसिड दे आर एसेंशियल, ओके, तो एसेंशियल में आते हैं 10 अमीनो एसिड। वहीं अगर बात करें तो रिमेनिंग 10 की, तो रिमेनिंग 10 क्या है, रिमेनिंग 10 अमीनो एसिड्स दे आर नॉन एसेंशियल, ठीक है। तो मैंने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का आपको डिफरेंस बता दिया है। एसेंशियल मतलब आपको डाइट के थ्रू लेना है, बाहर से लेना है, बॉडी सिंथेसाइज नहीं करेगी, तो वो कितना अमीनो एसिड है, 10। बाकी के जो बचे 10 हैं वो क्या है, नॉन एसेंशियल है, जो कि बॉडी ऑलरेडी अपने आप ही सिंथेसाइज करती रहती है, जब भी उसकी जरूरत होती है तो बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, 20 अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी, क्लियर। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था अमीनो एसिड का। अब हम देख रहे थे ट्रिक्स कि कैसे आप याद करेंगे कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो कितने होते हैं, उसके लिए क्या ट्रिक है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर आप ट्रिक्स आप ये याद रखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड से रिलेटेड, तो आप उसे इजिली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम वो ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक बहुत ही आसान है, मैं आपको बस एक लाइन दूंगा और उस लाइन को आपको याद रखना, अगर आपने वो लाइन याद रख ली तो आप जो जितने भी क्वेश्चन एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड से आएंगे वो आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब वो लाइन देख लेते हैं। तो वो लाइन क्या है, तो आपको ये लाइन याद रखनी है, एनी हाउ इंडियन लव द लीची मैंगो पाइनएप्पल ट्रू वैल्यूज, ठीक है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है, अगर आपने ये लाइन याद रख ली तो आप जो है जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि टोटल 10 है उसे आप इजिली रिमाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये लाइन याद रखनी, एनी हाउ इंडियन, एनी हाउ इंडियन लव द लीची मैंगो पाइनएप्पल ट्रू वैल्यूज, ओके। तो बहुत ही सिंपल सी लाइन है, आपको याद रखना, एनी हाउ इंडियन लव द लीची
मैंगो पाइनएप्पल ट्रू वैल्यूज, ठीक है। अब ये लाइन अगर आपने याद रखी तो आपने जो जितने 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है उनको भी आप इजिली याद कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे ए से आपका हो गया अर्जिनिन, अर्जिनिन, क्लियर। एच से आपका हो गया हिस्टिडीन, एच से क्या हो गया हिस्टिडीन। आई से क्या हो गया आपका आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। एल से क्या हो गया ल्यूसिन। दा से क्या हो गया थ्रेओनिन। एल से क्या हो गया आपका लाइसिन। एम से क्या हो गया मिथियोनिन। पी से क्या हो गया फिनाइल एलानिन। टी से क्या हो गया ट्रिप्टोफैन। और वी से क्या हो गया आपका वैलिन। ठीक है, तो देखिए आपने क्या किया कि आपने ये लाइन याद की, एनी हाउ इंडियन लव द लीची मैंगो पाइनएप्पल टू वैल्यूज, ठीक है। इसके साथ ही साथ क्या हुआ, आपने जब ये लाइन याद कर ली तो उसके बाद आपको जो पहला लेटर है, ओके, जो फर्स्ट लेटर है किसी भी वर्ड का उसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए एनी में ए है तो ये क्या हो गया अर्जिनिन, क्लियर। एच में हाउ में एच है तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका हिस्टिडीन। नेक्स्ट इंडियन में आई है तो ये आपका हो गया आइसोल्यूसिन। लव में एल है तो आपका हो गया ल्यूसिन। टी, दा में टी है तो ये आपका हो गया थ्रेओनिन। लीची में एल है तो ये आपका क्या हो गया लाइसिन। मैंगो में एम है तो ये आपका मिथियोनिन। पाइनएप्पल में पी है तो ये आपका हो गया फिनाइल एलानिन। ट्रू में टी है तो ये आपका हो गया ट्रिप्टोफैन। और वैल्यूज में वी है तो ये आपका हो गया वैलिन, क्लियर। तो ये हो गया आपके टोटल 10 अमीनो एसिड। वन हम काउंट करें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि टोटल कितने एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, तो 10, क्लियर। तो टोटल हमारे अमीनो एसिड कितने हो गए, 10 हो गए। तो आप अगर ये ट्रिक यूज करते हैं तो आप क्या हो सकता है कि जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड है वो आप इजिली याद कर पाएंगे। अब अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि सपोज बताइए कि ग्लाइसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, वैलिन, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इसमें से बताइए इन चारों में से कौन सा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, क्लियर। कोई अगर पूछ ले कौन सा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो अगर आपने ये लाइन याद रखिए तो आप इजिली बता देंगे कि जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो आपका क्या हो गया ग्लाइसिन। क्योंकि अगर आपने ये लाइन याद रखी तो आप अपने मन में ही देख सकते हैं कि ग्लाइसिन किसी भी वर्ड में नहीं आता है इस लाइन में, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जो ग्लाइसिन हो गया वो हो गया नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, क्लियर। तो आप इजली जो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी नीट के एग्जाम या सीएसआईआर के एग्जाम या कोई और एग्जाम में अगर आते हैं तो आप इस ट्रिक से क्या कर सकते हैं, उसे बहुत ही इजली सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, ठीक है। तो ये क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक थी कि एसेंशियल हाउ यू विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एसेंशियल अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ओके। तो अगर आपने ये जो लाइन, एक सिंपल सी लाइन है वो अगर आपने याद कर ली तो आप बहुत ही इजीली जो हैं इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को क्लासीफाई करने के लिए करके, या जो ऑब्जेक्टिव टाइप के या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसे आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस का जो नोटिफिकेशन वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।